मैं बनाऊंगी हाइट कोरमा। ये 250 ग्राम चिकन है, छोटे छोटे पीसेस किए हुए हैं। इसमें ये एक चम्मच लहसुन, एक चम्मच अदरक, ये फ्रेश क्रीम है, घर की दूध से निकाली हुई क्रीम है, ऐसे आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकती हैं। ये 50 ग्राम दही है, ये ऑयल है फॉर्चून, आप किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। ये ऑनियन है, ये 3 चिली है, ये लाल मिर्च, ये ज़ीरा, ये दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, ये काली मिर्च है, ये 2 ऑनियन मैंने पहले चॉप करके, ये मैं दिखाने के लिए इसको रखी थी, ये चॉप करके मैंने रख लिया है। चलिए अब मैं ये जो काली मिर्च है इसको मैं बाद में कूट कर डालूंगी ऊपर से, और ये बड़ी बड़ी काट कर इसको डालूंगी लास्ट में, और अदरक को भी स्लाइस करूंगी। चलिए मैं अब बनाती हूँ, ऑन करती हूँ फ्लेम। इसमें मैंने ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने ऑनियन डाल दिया, ये चॉप की भी, देखिए थोड़ा ये लाल नहीं होना चाहिए इसकी ऑनियन, बिल्कुल भी नहीं। व्हाइट कोरमा की सबसे बड़ी खूबी यही है कि रेडिश नहीं है। अब बहुत ही सिंपल रेसिपी मैं बता रही हूँ जो बनाने में बिल्कुल आसान हो। अब ये देखिए इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ, हमारी ऑनियन बिल्कुल लाल नहीं हुई है। आप इसी तरह से 1 kg का भी बना सकती हूँ, मैं 250 ग्राम का आपको बना रही हूँ। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने तैयार कर रखा था वो मैं डाल रही हूँ। तो सिंपल रेसिपी है, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसमें लाल मिर्च मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, मैं दालचीनी डाल रही हूँ, 1 इलायची, इसमें दही डालूंगी, इसमें दही डाल रही हूँ, और मैं हैंड ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हाथ तो सब लोग किचन में हेल्थ कॉन्शियस हर लेडीज़ होती है, सारे को खिलाना होता है, वो पहले से ही सारी सफाई खुद करके फिर किचन में आती हैं।
ये देखिए कितना अच्छे से ये तैयार हो रहा है, बिल्कुल ईजी रेसिपी। अब इसमें जो मैंने फ्रेश क्रीम निकाली थी अब वो मैं डाल रही हूँ। ये मैं नमक डाल रही हूँ, ये 5 मिनट इसी तरह से सीम पे पकेगा, उसके बाद फिर मैं इसको देखूँगी खोलकर। 5 मिनट सीम करके ये रहेगा, 5 मिनट सीम करती हूँ। 15 मिनट के लिए इसको सीम पे पकने देंगे और इसे कवर कर देती हूँ। चलिए अब 10 मिनट हो चुके हैं, मैं देखती हूँ अपने हम कैसा बना है। ये देखिए बिल्कुल तैयार लग रहा है 10 मिनट्स के बाद, ये देखिए। अब इसमें मैं हरी मिर्च डालूँगी जो मैंने काट कर रखी थी, जो साबुत थी उसको मैंने काटी है, और ये अदरक, और ये जो साबुत काली मिर्च थी वो मैंने कूट ली है। ये आपका वाइट कौरमा तैयार है बिल्कुल, देखिए सिंपल एकदम, सो सिंपल रेसिपी है। खासकर मैं ये सिंपल रेसिपी लेके आ रही हूँ आपको बताने के लिए, सिंपल तरीके से खाना बनाएं, टेस्टी और इजी। ये बिल्कुल तैयार है, तो मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल एकदम तैयार है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में भी और खाने में तो है ही है।